नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक फिर से हमारे YouTube चैनल पॉपुलर अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे टरबाइन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज स्टेज इन स्टीम टरबाइन। क्या बोल रहा है कि आपने सुना होगा कि स्टीम टरबाइन में मतलब स्टेजेस होते हैं, ठीक है ना। तो स्टेजेस क्या होता है, तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इन अ इंपल्स टरबाइन द स्टेज इज सेट ऑफ मूविंग ब्लेड बिहाइंड द नोजल। इन अ रिएक्शन टरबाइन ईच रो ऑफ ब्लेड इज कॉल्ड स्टेज। सिंगल कर्टिज स्टेज में कंसिस्ट ऑफ टू और मोर रो ऑफ मूविंग ब्लेड। क्या होता है कि देखिए, जो हमारी इम्पल्स या रिएक्शन टरबाइन होती है उनमें हमारा क्या होता है, एक मतलब एक फिक्स ब्लेड होता है, एक मूविंग ब्लेड होता है, ठीक है ना। तो दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक फिक्स ब्लेड और एक मूविंग ब्लेड, ठीक है ना, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू बेसिक टाइप ऑफ स्टीम टरबाइन। तो क्या बोल रहा है कि दो बेसिक स्टीम टरबाइन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो पहला है इम्पल्स एंड दूसरा है रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हाउ कैन स्टीम टर्बाइन भी क्लासिफाइड। क्या बोल रहा है कि स्टीम टर्बाइन को किस बेसिस पे और कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं, बाई द एक्शन ऑफ स्टीम, इम्पल्स रिएक्शन एंड द नंबर ऑफ स्टेप रिडक्शन इन्वॉल्व। तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा आपका, सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज। द डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो, इसमें कौन सा हो जाएगा, एक्सियल स्टीम फ्लो, रेडियल स्टीम फ्लो, मिक्स स्टीम फ्लो एंड टेंजेंशियल स्टीम फ्लो। ओके, द इनलेट स्टीम प्रेशर, हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन, मीडियम प्रेशर स्टीम टरबाइन एंड लो प्रेशर स्टीम टरबाइन एंड द फाइनल प्रेशर। इस बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, कंडेंसिंग एंड नॉन कंडेंसिंग, ठीक है ना। दो टाइप से इस बेसिस होती है हमारी, एक कंडेंसिंग होती है, एक नॉन कंडेंसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर फोर टाइप्स ऑफ थ्रस्ट बेयरिंग। क्या बोल रहा है कि चार टाइप के थ्रस्ट बेयरिंग कौन कौन से होते हैं। देखते हैं हम, बैबिट फेस्ड कॉलर बेयरिंग, टिल्टिंग पिवोटल बैट्स एंड टेपर्ड लैंड बेयरिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट और या फिर रोलर और बॉल बेयरिंग। ओके, तो ये तो बात कर ली हमने थ्रस्ट बेयरिंग के बारे में। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थ्रस्ट बेयरिंग। तो क्या बोल रहा है कि जो हमारा थ्रस्ट बेयरिंग होता है उसका फंक्शन क्या होता है, किस काम के लिए यूज होता है। देखिए क्या दिया हुआ है, थ्रस्ट बेयरिंग कीप द रोटर इन इट्स करेक्ट एक्सियल पोजिशन। क्या मतलब हुआ कि जो हमारा थ्रस्ट बेयरिंग है वो क्या करता है, जो रोटर को है हमारे करेक्ट एक्सियल पोजीशन में फिक्स करके रखता है, मतलब जो उसका एक्सियल मूवमेंट है उसको वो कंट्रोल करता है। हमारा थ्रस्ट बेयरिंग क्या करता है, जो हमारा टर्बाइन का रोटर है उसके एक्सियल मूवमेंट को, वो एक्सियल मूवमेंट या एक्सियल पोजीशन को ज्यादा मूवमेंट होने से कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर सम कंडीशन दैट मे प्रिवेंट अ टर्बाइन फ्रॉम डेवलपिंग फुल पावर। क्या बोल रहा है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि हमारे टर्बाइन को फुल मतलब कि फुल पावर डेवलप करने में मतलब प्रॉब्लम डेवलप करती है। ओके, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या दिया है, द मशीन इज ओवरलोडेड। अगर आपकी मशीन ओवरलोड है तो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। द इनिशियल स्टीम प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नॉट डिजाइन कंडीशन। अगर आपका जो स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर है अगर वो डिजाइन पैरामीटर के हिसाब से नहीं है तो भी आपका जो टर्बाइन है फुल पावर डेवलप नहीं कर पाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द एग्जॉस्ट प्रेशर इज टू हाई। अगर आपका एग्जॉस्ट प्रेशर ज्यादा रहता है तो भी आपका स्टीम टर्बाइन फुल पावर डेवलप नहीं कर पाएगी। ओके, द गवर्नर इज सेट टू लो। द गवर्नर इज सेट टू, दैट मीन्स कि जो गवर्नर है हमारा, जितना हमें अगर द गवर्नर इज सेट टू, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए कि हमारी टर्बाइन को जितना स्टीम का डिमांड है उस हिसाब से अगर हमारा गवर्नर जो है गवर्नर वाल काम नहीं करेगा तो भी हमारा जो टर्बाइन है उसको फुल पावर डेवलप करने में प्रॉब्लम आएगी। द स्टीम स्ट्रेनर इज क्लॉग्ड। मतलब क्या होगा कि जो हमारा ESB के पहले हमारा स्टीम स्ट्रेनर लगा रहा है वो क्या होगा, जाम हो गया होगा। ओके, टर्बाइन नोजल आर क्लॉग्ड विथ डिपोजिट। जो हमारे टर्बाइन के इनसाइड नोजल्स हैं वो भी जाम हो गए तो भी हमारा जो पावर है वो फुल पावर, जो हमारी टर्बाइन है वो फुल पावर डेवलप नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारे पास, इंटरनल वियर ऑन नोजल एंड ब्लेड्स। अगर मान लीजिए कि जो हमारा नोजल और ब्लेड्स है अगर वो वियर या टियर हुआ है, ठीक ना, इंटरनल उसके, तो भी वो हमारा जो टर्बाइन है वो फुल पावर डेवलप नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी टू ओपन केसिंग ड्रेन एंड ड्रेन ऑन द स्टीम लाइन गोइंग टू द टर्बाइन व्हेन टर्बाइन इज टू बी स्टार्टेड। क्या बोल रहा है कि आपने देखा होगा कि जब भी हम टर्बाइन स्टार्ट करने जाते हैं, टर्बाइन रोलिंग करने जाते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा टर्बाइन है
उसकी केसिंग की ड्रेन को हम खोल देते हैं, और जो हमारा मेन स्ट्रीम लाइन है उसके ड्रेन को भी खोल देते हैं, ठीक है, जितनी भी स्ट्रीम लाइन है उसके ड्रेन को हम खोल देते हैं। तो पूछ रहा है कि इसका रीजन क्या है, क्यों खोलते हैं, तो अगर ना खोले तो क्या होगा, तो देखिए, टू अवॉइड स्लगिंग नोजल एंड ब्लेड्स इनसाइड द टरबाइन विद कंडेंसेड स्टार्टअप, दिस कैन ब्रेक दिस कंपोनेंट फ्रॉम इम्पैक्ट, द ब्लेड वेयर डिजाइन टू हैंडल स्टीम मोर। देखिए क्या होता है कि जैसे ही हमारा स्टीम टरबाइन बंद होता है तो क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत स्टीम बच जाती है, ठीक ना, हमारे टरबाइन के अंदर में या फिर मेन स्टीम लाइन में, तो क्या होता है वो कंडेंस हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी स्टार्ट करते हैं अगर उस कंडेंस को हम बाहर नहीं निकालें तो क्या होगा, सीधे वो टरबाइन के अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो क्या होगा, जो हमारे टरबाइन के इंटरनल्स है उनको डैमेज करेगा, क्योंकि जो हमारे टरबाइन के इंटरनल्स हैं वो स्टीम को हैंडल करने के लिए बने हुए, ना कि वाटर को, ठीक ना। इसीलिए जरूरी होता है कि जब भी हम टरबाइन रोल करने जा रहे हो उससे पहले हमें इंश्योर कर लेना है कि जो हमारा स्टीम टरबाइन है उसकी केसिंग के ड्रेन खुले हुए हैं, और जो हमारा मेन स्टीम लाइन है उसके ड्रेन खुले हुए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एक्सट्रैक्शन टरबाइन, क्या बोल रहा है, एक्सट्रैक्शन टरबाइन क्या होता है, देखते हैं। इन एक्सट्रैक्शन टरबाइन स्टीम इज विदड्रॉन फ्रॉम वन और मोर स्टेज एट वन और मोर प्रेशर फॉर हीटिंग प्लांट प्रोसेस और फीड वाटर हीटर नीड्स, दे आर ऑल ऑफन कॉल्ड ब्रीडर टरबाइन। देखिए क्या होता है, इन एक्सट्रैक्शन टरबाइन में क्या होता है कि जो हमारे अभी जैसे हमने पहले पढ़ा कि हमारे स्टीम टरबाइन में क्या होता है, स्टेजेस होते हैं, ठीक ना। तो जो हमारा एक्सट्रैक्शन टरबाइन होता है वो क्या करता है कि आपका जो हमारी स्टीम टरबाइन में स्टेजेस होते हैं, तो कई सारे स्टेजेस से हम थोड़ा थोड़ा, मतलब कई सारे स्टेजेस से अलग अलग प्रेशर पे हम स्टीम वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक ना, मतलब वहां से स्टीम ले लेते हैं। किस लिए, अगर मे बी हमारा अगर प्रोसेस प्लांट है तो प्रोसेस में यूज के लिए, या फिर अगर हमने हीटर लगा रखा है तो हीटर में फीड वाटर को गर्म करने के लिए, ठीक ना। तो इसके लिए हम अलग अलग स्टेजेस से क्या करते हैं, आपका स्टीम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसी टर्बाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन टर्बाइन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाई क्रिटिकल स्पीड, क्या बोल रहा है, क्रिटिकल स्पीड क्या होता है। देखिए, इट इज द स्पीड एट विच द मशीन वाइब्रेट मोस्ट वायलेंटली, इज ड्यू टू मेनी कॉजेस सच एज इम्बैलेंस और हार्मोनिक वाइब्रेशन सेटअप बाय द एंटायर मशीन, टू मिनिमाइज डैमेज द टर्बाइन शुड बी हरिड थ्रू द नोन क्रिटिकल स्पीड एज रैपिडली एज पॉसिबल। ओके, उसके आगे क्या लिखा, कॉशन, बी श्योर द वाइब्रेशन इज कॉज्ड बाई क्रिटिकल स्पीड एंड नॉट बाई सम अदर ट्रबल। देखिए क्रिटिकल स्पीड क्या होता है, वो स्पीड होता है जहाँ पे जो हमारी मशीन है वो बहुत ज्यादा वायलेंटली वाइब्रेट करती है, ठीक ना। ये क्यों होता है, क्योंकि इम्बैलेंस और हार्मोनिक वाइब्रेशन का सेटअप करती है पूरी मशीन हमारी, क्या होती है, इम्बैलेंस और हार्मोनिक वाइब्रेशन का सेटअप करती है। तो देखिए इस क्रिटिकल स्पीड या फिर इस वाइब्रेशन को इस जो ये हमारा फिनोमिना है इसको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक ना, क्या होता है जब भी हम रोलिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारा क्रिटिकल स्पीड होता है उसको जितना से जितना जल्दी हो सके हम उसको हमें उसको क्रॉस करना रहता है, ठीक ना। तो जितना से जितना जल्दी उसको हमें क्रॉस करना रहता है, तो ये तो हो गया। और उसके बाद इसमें दिया है कि हमें ये इंश्योर कर लेना है कि जो हमारा वाइब्रेशन आ रहा है वो आपका मतलब किसी और रीजन से ना आ रहा हो। ओके, तो क्रिटिकल स्पीड क्या होता है, क्रिटिकल स्पीड वो स्पीड है जहाँ पे हमारी जो मशीन है वो बहुत वायलेंटली वाइब्रेट करती है, और ये क्यों होता है, क्योंकि इम्बैलेंस और हार्मोनिक वाइब्रेशन जो है पूरे मशीन के द्वारा सेटअप किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हाउ टू प्रिवेंट टर्बाइन डिपोजिशन। ओके, जो हमारे टर्बाइन के इंटरनल पे डिपोजिशन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्केल फॉर्मेशन होता है टर्बाइन के ब्लेड्स पे, तो उस डिपोजिशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, तो देखिए बाई अपग्रेडिंग क्वालिटी ऑफ स्टीम। अगर हम जो हमारी स्टीम की क्वालिटी उसको हम अपग्रेड करें, उसको अपग्रेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर जो हम डीएम वाटर दे रहे हैं आपके बॉलर में उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, बॉलर फीड वाटर क्वालिटी को इंक्रीज करना है, स्टीम बॉलर का जो मॉडल है उसको एक उसको भी हमें मतलब मॉडिफाई करना है। ओके, बॉलर का जो डिज़ाइन है वो भी हमें कंसिडर करना है कि अगर बॉलर का डिज़ाइन सही हुआ है कि नहीं, क्योंकि देखिए कई बार क्या होगा कि अगर आपका बॉलर का डिज़ाइन सही नहीं, कंस्ट्रक्शन सही नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा फोमिंग और प्राइमिंग होता है, ठीक है। तो फोमिंग और प्राइमिंग होगा तो क्या होगा कि आपका जो वाटर पार्टिकल्स है वो में मतलब आपके स्टीम लाइन से होते हुए स्टीम टरबाइन में जा सकते हैं, ठीक ना। तो ये भी हमें कंसिडर करना है कि जो हमारा बॉलर का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं, और बॉयलर ऑपरेशन, ठीक है। अगर बॉयलर ऑपरेशन सही से नहीं होगा तो भी हमारा फोमिंग और प्राइमिंग हो सकता है, और हमारे वाटर पार्टिकल्स जो है स्टीम टरबाइन में जा सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर द लॉसेस इन स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में लॉसेस कौन कौन सी होती है देखते हैं। पहला लॉसेस है हमारा रेसिड्यूअल वेलोसिटी लॉसेस, दिस इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एट द ब्लेड एग्जिट, ठीक ना। क्या है, दिस इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एट द ब्लेड एग्जिट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लॉस ऑकर इन द नोजल टर्बाइन ब्लेड एंड बिटवीन द स्टीम एंड रोटेटिंग डिस्क, दिस लॉस इज अबाउट 10%। क्या होता है हमारा फ्रिक्शन लॉस नोजल और टर्बाइन ब्लेड में होता है इन बिटवीन द स्टीम एंड रोटेटिंग डिस्क। जो हमारा रोटेटिंग डिस्क है और स्टीम है, इन दोनों के जो फ्रिक्शन होता है उसमें ये हमारा लॉस होता है फ्रिक्शन लॉस, ठीक ना, ये अराउंड 10% होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं लीकेज लॉसेस। ओके, अगर मान लीजिए कहीं पे हमारा लीकेज है तो वो भी लॉसेस हम कंसिडर करते हैं, ठीक ना। और अगला है लॉस ड्यू टू मैकेनिकल फ्रिक्शन, ठीक है, अकाउंट फॉर द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द शाफ्ट एंड द बियरिंग। जो हमारा टर्बाइन का शाफ्ट एंड बियरिंग है उनके फ्रिक्शन में जो हमारा लॉस हो रहा है वो भी हमारा लॉस ड्यू टू मैकेनिकल फ्रिक्शन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। रेडिएशन लॉसेस, थ्रू दिस लॉसेस इज नेग्लेजिबल एज टर्बाइन केसिंग आर इंसुलेटेड, इट अकर ड्यू टू द हीट लीकेज फ्रॉम द टर्बाइन टू एम्बियंट एयर विच इज एट एट अ मच लोअर टेम्परेचर देन द टर्बाइन। देखिए रेडिएशन लॉसेस क्या होता है कि जो हमारा हीट रेडिएट हो रहा है हमारा टर्बाइन की केसिंग से उसको हम रेडिएशन लॉसेस में मतलब काउंट करते हैं। बट आपने देखा होगा कि जो हमारा टर्बाइन की जो केसिंग है वो पूरी तरह से इंसुलेटेड होती है, ठीक ना। तो क्या होता है ये मतलब उतना ज़्यादा हमारा रेडिएशन लॉस उतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन द लोअर स्टेज ऑफ द टर्बाइन द स्टीम में बिकम वेट एज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर पार्टिकल इज लोअर देन दैट ऑफ स्टीम, सो पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम इज लॉस्ट टू ड्रैग द वाटर पार्टिकल्स अलोंग विद इट। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे स्टीम में मॉइस्चर है, ठीक ना, तो क्या होगा कि स्टीम में मॉइस्चर होगा तो जो हमारे वाटर पार्टिकल्स होंगे ना, वाटर पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है, ठीक ना, किससे, स्टीम से। क्यों, क्योंकि वो थोड़े हैवी रहते हैं, ठीक ना। तो जो हमारा स्टीम है, स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उनको ड्रैग करने के लिए, वो उनको अपने साथ कैरी करने के लिए जो हमारी काइनेटिक एनर्जी स्टीम लगाएगी वो लॉसेस यहाँ पे होते हैं, ठीक ना। तो वो होता है हमारा लॉस ड्यू टू मॉइस्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ टर्बाइन वाइब्रेशन। ओके, क्या बोल रहा है कि टर्बाइन वाइब्रेशन के मेन रीजन क्या क्या है। देखिए मेन रीजन है ये हमारा जो सबसे पहला है वो है अनबैलेंस पार्ट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए जो हमारा टर्बाइन केसिंग है, शाफ्ट है, बेयरिंग है, एनीथिंग, अगर वो अनबैलेंस है, उसकी बैलेंसिंग सही से नहीं हुई है, ठीक ना, अलाइनमेंट सही से नहीं हुआ है, तो क्या होगा, वो आपका वाइब्रेशन आएगा, ठीक ना। लूज पार्ट, अगर मान लीजिए कोई पार्ट लूज है तो भी हमारा वाइब्रेशन आएगा। रबिंग पार्ट, अगर मान लीजिए कि बात ये वहीं आ गई कि अगर आपका अलाइनमेंट सही से नहीं हुआ के पार्ट्स एक दूसरे से रब करेंगे, मतलब जो साफ्ट हो गया, फिर साफ्ट के मूविंग ब्लेड फिक्स ब्लेड से या फिर केसिंग से, ठीक ना, वो रब करेगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन आएगा, ठीक है। लुब्रिकेशन ट्रबल, अगर अच्छे से लुब्रिकेशन नहीं हो रहा तो भी आपका वाइब्रेशन आएगा, ठीक ना। स्टीम ट्रबल, अगर जो हमारा पैरामीटर स्टीम का प्रेशर टेम्परेचर वो नहीं है तो भी वाइब्रेशन आएगा। फाउंडेशन ट्रबल, जो हमने जो हमारा फाउंडेशन है स्टीम टर्बाइन का, जिसमें हमारी टर्बाइन फिक्स है, अगर वो प्रॉपर नहीं है, ठीक ना, सही से मतलब नहीं बना हुआ तो भी आपका वाइब्रेशन आएगा। क्रैक्ड और एक्सेसिवली वॉर्न पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ एक्सेसिव वाइब्रेशन और नॉइज इन स्टीम टरबाइन। तो सेम क्वेश्चन है आपका, मतलब जो हमने भी पहले इसके पहले क्वेश्चन देखा कि मेन कॉजेस क्या है टरबाइन वाइब्रेशन का, और इसमें क्या पूछ रहा है कि पॉसिबल कॉजेज क्या है अगर ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। तो देख लीजिए, मिसअलाइनमेंट हो सकता है, ठीक ना, और वॉन बियरिंग, वॉन कपलिंग टू ड्रिवन मशीन, अनबैलेंस कपलिंग टू ड्रिवन मशीन, अनबैलेंस व्हील, पाइपिंग स्ट्रेन एंड बेंड शाफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द वॉश डाउन टाइम इन स्टीम टरबाइन। वॉश डाउन टाइम क्या होता है, वॉशिंग डाउन एंड वॉश डाउन। ओके, देखिए इट इज द टाइम टेकन बाय द स्टीम टरबाइन रोटर टू कम डाउन फ्रॉम रेटेड स्पीड टू जीरो स्पीड आफ्टर ट्रिप ऑफ शट डाउन ऑफ टर्बाइन। टर्बाइन स्पीड स्टार्ट रिड्यूसिंग वंस द ईएसडी क्लोज। देखिए क्या होता है कि जब हमारी टर्बाइन ट्रिप होती है तो उसके बाद हमारा रेटेड स्पीड से जीरो स्पीड तक आने में जितना टाइम लगता है ना उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग डाउन टाइम, ठीक है, कॉस्ट डाउन टाइम ऑफ टर्बाइन। ओके, टर्बाइन का स्पीड जो रिड्यूस होना कब स्टार्ट होगा, जब हमारा ईएसडी क्लोज हो जाएगा। ओके, इट डिपेंड ऑन वैक्यूम इन द कंडेंसर, इफ द वैक्यूम इज मोर इट टेक मोर टाइम टू कम डाउन टू
रेस्ट पोजिशन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा वैक्यूम ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लगेगा इसको 0 RPM पे आने पे, अगर वैक्यूम कम है तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए कि कॉस्ट डाउन टाइम क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सोकिंग पीरियड इन स्टीम टरबाइन। ठीक है, सोकिंग पीरियड क्या होता है? देखिए, ड्यूरिंग इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ टर्बाइन इज अलाउड टू एक्सपेंड इवनली एंड स्मूथली बाय अलाउइंग सफिशियंट टाइम ऑफ वार्म अप। दिस पीरियड इज कॉल्ड सोकिंग पीरियड। दिस इज डन फॉर अलाउ यूनिफॉर्म एक्सपेंशन ऑफ टर्बाइन केसिंग रोटर एंड अदर इंटरनल पार्ट्स। ठीक, देखिए क्या होता है कि जब हम इनिशियल में स्टार्ट करते हैं टर्बाइन को, तो हमें उसको इवन स्मूथली और यूनिफॉर्मली हीटिंग मतलब सफिशियंट टाइम देना रहता है वार्म अप के लिए। ठीक है, इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? सोकिंग पीरियड। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो एक्सपेंशन होगा, देखिए क्या होता है कि जब हम टर्बाइन में स्टीम देते हैं, क्या होता है कि टर्बाइन के इंटरनल पार्ट का एक्सपेंशन होता है। ठीक ना, आपका फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड का और सभी का एक्सपेंशन होता है और केसिंग का भी एक्सपेंशन होता है। अगर हमको हम प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो क्या होगा? अनइवन एक्सपेंशन हो जाएगा, अनइवन एक्सपेंशन होगा। और जो हमारे टर्बाइन के इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो गैप होता है बहुत मिनिमम गैप होता है। ठीक ना, अगर अनइवन एक्सपेंशन होगा क्या होगा, वो एक दूसरे से टच करेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं हम कि एक सोकिंग, जो हमारा टर्बाइन का मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है कि सोकिंग पीरियड देता है, सोकिंग टाइम देता है। पोस्ट मतलब जो आप स्टार्टअप कर देखेंगे, स्टार्टअप कर में आपको मिलेगा कि सोकिंग स्पीड कितना है। ठीक ना, हर एक सर्टेन स्पीड के बाद 5 मिनट 10 मिनट का एक सोकिंग टाइम होता है। ओके, तो ये हम समझिए कि सोकिंग स्पीड क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्लैंड सीलिंग, व्हेन टू चार्ज द ग्लैंड स्टीम आफ्टर वैक्यूम क्लीनिंग और बिफोर। ओके, क्या बोल रहा है कि ग्लैंड सीलिंग का पर्पज क्या है, और ग्लैंड जो हम ग्लैंड चार्ज करते हैं वो कब करते हैं, आफ्टर वैक्यूम कूलिंग और बिफोर वैक्यूम कूलिंग। देखते हैं क्या आंसर इसका। तो देखिए, द पर्पज ऑफ ग्लैंड सीलिंग इज टू प्रिवेंट एयर फ्रॉम इंक्रीशन इन द वैक्यूम सिस्टम ड्यूरिंग वैक्यूम। द स्टीम इज अप्लाइड ऑन बोथ लेबरिंथ ग्लैंड एंड इवन एट कंट्रोल वॉल ग्लैंड। द प्रेशर मेंटेनड अराउंड 0.1 kg/cm². देखिए क्या है, जो हमारा ग्लैंड सीलिंग का पर्पस क्या है कि जो हमारा एयर इंग्रेस होता है, ठीक ना, वैक्यूम सिस्टम में। ठीक ना, जो हमारा वैक्यूम सिस्टम है, वैक्यूम सिस्टम में अगर जो हमारा एयर इंग्रेस होता है तो उस एयर को इंग्रेस होने से रोकता है ये आपका ग्लैंड सीलिंग सिस्टम। ठीक ना, तो जो हम इसमें प्रेशर मेंटेन करते हैं वो कितना करते हैं, 0.1 kg करते हैं। और ग्लैंड चार्ज कब करते हैं वो देख लेते हैं हम। कंडीशन, ग्लैंड स्टीम कैन बी चार्ज बेस्ड ऑन द टर्बाइन ऑपरेशन कंडीशन। कोल्ड स्टार्टअप, इन दिस टर्बाइन इज इन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, हेंस ग्लैंड स्टीम इज चार्ज आफ्टर वैक्यूम कूलिंग एट वैक्यूम से -0.2 to -0.5 kg। ग्लैंड सीलिंग इज डन बिफोर वैक्यूम कूलिंग, देयर मे बी अ चांस ऑफ डेवलपिंग इंटरनल स्ट्रेस। ओके, देखिए अगर हम टर्बाइन का कोल्ड स्टार्टअप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो टर्बाइन है वो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे रहती है, तो जो हमारा ग्लैंड स्टीम हम चार्ज करना है वो आफ्टर वैक्यूम कूलिंग चार्ज करेंगे। कब? तो जैसे हमारा वैक्यूम मान लीजिए कि -0.2 to -0.5 kg/cm² तक आ गया, उसके बाद हमें वैक्यूम ग्लैंड सीलिंग चार्ज करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले ही चार्ज करेंगे तो जो हमारा टर्बाइन है वो क्या है, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे है, तो क्या होगा, इंटरनल्स में आपका थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। ठीक ना, इसके लिए। और हॉट स्टार्टअप में क्या होगा, ग्लैंड सीलिंग इज चार्ज इवन बिफोर वैक्यूम कूलिंग, चार्जिंग द ग्लैंड स्टीम आफ्टर वैक्यूम कूलिंग में कॉज अ कोल्ड एयर शॉक इन द ग्लैंड व्हिच में लीड टू रोटर डिस्टॉर्शन। देखिए हॉट कंडीशन में क्या होगा, हॉट कंडीशन में हमें बिफोर वैक्यूम कूलिंग चार्ज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर देखिए आपका टर्बाइन हॉट कंडीशन है, अगर आपने पहले ही वैक्यूम कर लिया तो क्या वो एयर को सक करेगा, एयर सक करेगा तो क्या होगा, जबकि एटमोस्फेरिक एयर है वो तो ठंडी है, वो अंदर जाएगी तो क्या करेगा आपका जो टर्बाइन का रोटर है उसमें डिस्टॉर्शन आ सकता है। ठीक ना, इसीलिए क्या होता है कि हॉट स्टार्टअप के टाइम पे हम जो आपका ग्लैंड सील चार्ज करते हैं वो पहले ही चार्ज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई द ऑयल कूलर आर प्लेस्ड बिफोर लूब ऑयल फिल्टर। क्या बोल रहा है, आपने देखा होगा कि जो हमारा ऑयल कूलर्स होते हैं वो लूब ऑयल फिल्टर के पहले ही लगे होते हैं, क्यों, लूब ऑयल फिल्टर के बाद क्यों नहीं लगे होते हैं। ओके, देखते हैं, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस द ऑयल डीपी में वेरी एट फिल्टर, सो ऑयल इज फर्स्ट पासिस थ्रू द कूलर वेर इट्स टेम्परेचर रिड्यूसेस एट कॉन्स्टेंट ऑपरेटिंग लेवल, देन इट पासिस थ्रू द फिल्टर। देखिए क्या होता है कि जो हमारा ऑयल है अगर उसका टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो जो डीपी है हमारे फिल्टर का वो वेरी करेगा। ठीक है,
टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो जो डीपी है वो वेरी करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले हम उसको ऑयल कूलर से पास करवाते हैं ऑयल को, तो क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर आ जाता है, ठीक ना। तो उससे क्या होता है कि उसके बाद हम उसको फिल्टर से पास करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा था डीपी वेरी का वो नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टरबाइन कोल्ड वार्म एंड हॉट एंड वेरी हॉट स्टार्टअप। ओके, देखिए कोल्ड स्टार्टअप क्या क्या होता है, आफ्टर अ शट डाउन पीरियड एक्सीडिंग 72। कोल्ड स्टार्टअप क्या है कि जैसे कि मान लीजिए जो हमारा टर्बाइन है, ठीक ना, वो उसका जो शट डाउन टाइम है 72 आवर से ज्यादा एक्सीड कर गया है, तो हम कोल्ड स्टार्टअप उसको बोलेंगे। वार्म स्टार्टअप आफ्टर अ शट डाउन पीरियड ऑफ बिटवीन 10 आवर एंड 72 आवर। देखिए वार्म स्टार्टअप क्या होता है कि जो हमारा शट डाउन पीरियड है टर्बाइन का वो 10 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच में हो, तो उसको हम वार्म स्टार्टअप बोलते हैं, ठीक ना। हॉट स्टार्टअप क्या होता है, आफ्टर शट डाउन पीरियड ऑफ लेस देन 10 आवर। अगर मान लीजिए हमारी टर्बाइन शट डाउन हुई और 10 घंटे से पहले ही उसको चलाना है, तो क्या होगा, वो हमारा हॉट स्टार्टअप होगा। वेरी हॉट स्टार्टअप क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारी टर्बाइन ट्रिप हुई, ठीक ना, विद इन वन आवर अगर हम उसको स्टार्ट करते हैं, क्या होगा, वेरी हॉट स्टार्टअप। नेक्स्ट है, हाउ डू यू मेजर द टर्बाइन केसिंग एक्सपेंशन। तो इसको जो हमारा टर्बाइन केसिंग का एक्सपेंशन होता है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ LVDT। क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक ना। क्या होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टर्बाइन का केसिंग का एक्सपेंशन हम मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑयल वेपर एक्सट्रैक्शन फैन। OVF आपने देखा होगा, MOT के ऊपर लगा रहता है, तो OVF लगा रहता है। तो देखिए उनका काम क्या है, रिमूव द ऑयल मिस्ट फ्रॉम द मेन ऑयल टैंक। क्या होता है कि देखिए हमारा जो ऑयल है वो तो गर्म रहता है पूरा, ठीक ना, जब हमारा बेयरिंग से आता है तो गर्म गर्म रहता है। क्या होता है उसमें से वेपर वेपर निकलते रहते हैं, अगर वेपर वो हम बाहर नहीं निकालें तो क्या होगा कि वो टैंक के ऊपर चिपक जाएंगे और आपके ऑयल में क्या है, मॉइस्चर आ जाए। ओके, इसके लिए क्या होता है, हम दो OVF लगाते हैं जो कि कंटिन्यू आपका वेपर को बाहर निकालते रहते हैं, मेंटेन स्लाइड वैक्यूम। जैसे कि हम पता है कि जो हमारा MOT है उसमें हम वैक्यूम भी मेंटेन करते हैं, क्यों कि अगर वैक्यूम मेंटेन रहेगा तो जो हमारा ऑयल रिटर्न लाइन है बियरिंग से वो इजिली आपका MOT में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, OVF यूज करते हैं, कहाँ पे, MOT के ऊपर। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।